नमो हरिहंताणं नमः सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाधनं येषु पञ्च नमकारो सर्व पाप प्रणाशनं मंगलाणं च सर्वेषु परमं भवै मंगलम्। जय जगदीव जोड़ी वियाण जग गुरु जगानंदो जगनाह जगबंधु जय जग जय सुयाण प्रभव पेथयराण पश्चिम जय जय गुरुलोकाण जय बहपा महावी वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनि अमर नर राय मह्यं चरमते तयरम्मि मासते सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। अज्ञान निरंजन ज्ञानांजन शलाकया नेत्र उन्मीलितं येन श्री गुरवे नमः। परमात्मा महावीर प्रभु के अंतिम देशना जिसका मुख्य रूप से उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र में जो वर्णन जैसा उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र की देशना चल रही है। आज इसके अंदर मुख्य रूप से हम पढ़ रहे हैं 18वां अध्ययन है। भगवान अपने अंतिम काल के अंदर जगत के जीवों का कल्याण हो इसके लिए उपदेश देके जा रहे। आखिर परमात्मा भी जगत के जीवों पर उपकार कैसे कर सकते हैं? भगवान भी जगत के जीवों पर उपकार करे तो कैसे करे? तो मुख्य साधन एक ही है कि परमात्मा उपदेश दे। उपदेश में क्या देना है, क्या बताना है? मुख्य रूप से एक ही लक्ष्य है, जगत को सही ज्ञान देना है। परमात्मा ज्ञान के अंदर ऐसे शाश्वत सिद्धांतों को, तथ्य और तत्वों को बताते हैं कि जिसके आधार पर जगत के सभी जीव अपना कल्याण साध, नहीं तो कैसे होगा? अनादि अनंत काल से जीव इस मिथ्यात्व की अज्ञान दशा में रहा और इस मिथ्या अज्ञान दशा के अंदर सब प्रकार की पाप प्रवृत्ति करता रहा। पाप प्रवृत्ति होती रहे तो कर्म बंध होता रहे, अब कर्म बंध बढ़ता रहे तो भव संसार बढ़ता रहेगा, फिर तो संसार में जीव इसमें से मुक्त होना या बाहर निकलना असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर मुख्य हेतु जो बताया कि 18 ही प्रकार के पाप स्थानों का त्याग कैसे किया जाए। जीव जब तक पहले पाप त्याग की मनोवृत्ति न बनाए, पाप त्याग करने की वृत्ति जब तक नहीं बनेगी तब तक उसके लिए बहुत ही असंभव है। इसलिए भगवान सर्वप्रथम उपदेश देकर के पाप प्रवृत्ति को घटाने की बात करते। यहाँ पर जो है कंपिल नगर के अंदर जहाँ पर मुख्य रूप से राजा की बात, अब यहाँ
बड़े अश्व सैन्य आदि के साथ में संयत राजा जिस तरह से राज्य करता था, अहमास गौ राया किप्पमा गम्म सोताहिम हे मे उपासिता अणगारम तथ पासई। जब एक बार कोई ऐसा निमित्त मिलता है कि साधु संतों के सत्संग हो जाए, साधु संतों के दर्शन कर ले, जीवन के अंदर सबसे बड़ा मुख्य दिन कि जब आपको कोई ज्ञानी गीतार्थों का योग मिल जाए, ये बड़ी विशेषता। और ऐसे कोई ज्ञानी गीतार्थ आपको मिल जाए और ऐसे ज्ञानी गीतार्थों के योग से मुख्य रूप से किसी ज्ञानी के साथ में ज्ञान का योग बनना चाहिए, क्योंकि जीव सबसे ज्यादा कमजोर किस बात में रहता है, ज्ञान दशा प्राप्त करने में, और सबसे ज्यादा आसक्ति किस में रहती है, विषय भोग में, आहार निद्रा में, मैथुन परिक्रम। अब ये सारी वृत्तियों के अंदर जैसे उसने अपनी सुख बुद्धि बना ली, अब उसमें से निवृत्त होना है कैसे होगा, सोचिए समझे। जीवन के लिए संसार की सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ में ये है, ये चार संज्ञाएं। अब जीवों की प्रवृत्ति किस में है, ज्यादा करके आहार की प्रवृत्ति में सबसे ज्यादा जीव प्रवृत्त होते हैं। इधर देखिए, आहार की संज्ञा बढ़ेगी तिर्यंच गति होगी, आहार की संज्ञा घटे और तप की वृत्ति बढ़े तो निश्चित रूप से तिर्यंच गति टल जाती। तिर्यंच गति में एक बार अगर घुस गए तो कितने भव होंगे पता नहीं, कितने जन्म बीत जाए। जिनको भी आहार की संज्ञा टालनी हो, तिर्यंच गति टालनी हो, तो वो आहार की संज्ञा घटाने की कोशिश करे। साथ इधर आप देखिए, सबसे ज्यादा है निद्रा। जैसे जीवों ने आहार की प्रवृत्ति की कि भोजन के बाद सो जाना है, आहार के बाद लोगों ने निद्रा का नियम बना लिया, खाया पिया सो गए। अब इनमें कितना समय जीवन का चला जाएगा ये सोचिए। अब यहाँ पर एक संज्ञा चौथी तीसरी मैथुन की आ रही है, चौथी संज्ञा है, ये आपका परिग्रह का प्रमाण है। अति परिग्रह भी नरक गति का कारण बन जाता है। चारों संज्ञाएं संसार बढ़ाती है। अब ये सब जो है मिल करके आपका संसार बढ़ाए। अब भगवान ने कहा कि अगर ये संज्ञा टालनी है तो इसके लिए आपको तप धर्म जोड़ना बहुत जरूरी हो गया। अब जैसे जैसे तप धर्म जोड़ते जाओगे तो आपका विशेष लाभ। ये संज्ञा आपको टालनी है तो इसके लिए दान धर्म आपका जितना ज्यादा करो, दान देने वाले की नरक गति टल जाए, आहार के संज्ञा घटने से तप के कारण तिर्यंच गति। एक एक के साथ एक एक जोड़ दिया है, समझे कि नहीं। इधर हमको ये दिया कि आप ब्रह्मचर्य का पालन जितना करो, आपकी गति बहुत अच्छी सुधर जाए, आत्मिक स्पर्धा आपकी बन जाए। साथ में इसके लिए अप्रमत्त भाव ला करके दान शियल तप भाव, ये शियल के लिए जोड़ा है। अब एक 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 करके चारों संज्ञा जिस प्रकार से टालनी हो, दान शियल तप भाव, भगवान ने चार प्रकार के धर्म बताए। अब जीवन के अंदर धर्म इतना ही अनिवार्य, धर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिसको जो पसंद है वैसा धर्म करो। कोई दान धर्म से आगे बढ़ सकता है, कोई शियल धर्म से आगे बढ़ सकता है, कोई तप धर्म से आत्मा का विकास कर सकता है, कोई भाव धर्म से आत्मा को आगे बढ़ा। चारों प्रकार बता दिए, लेकिन चारों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप एक बार एक दान में रखो कि दूसरी बार दूसरे में रहो, ऐसा कल दान करने वाला तप के लिए ना कहे वो भी गलत है, और कल तप करने वाला दान के लिए ना कहे वो भी गलत है। आप बोलो मुझे तो एक ही तप ही पसंद है, मुझे दान पसंद नहीं है। आप बोलो मुझे दान ही पसंद है, तप पसंद नहीं है। आप एक के अंदर रहो और दूसरे का निषेध करो, ये भी गलत हो। साथ में जोड़ने की कोशिश करिए। एक से दूसरे को साथ में जोड़ने के कारण क्या होगा कि सभी धर्म एक साथ में जुड़ जाएंगे।
तो आत्मा का विकास तो एक धर्म से तो नहीं होगा, सभी चाहिए। और संसार है, अनंत जीव है, कल किसको इसमें से कौन सा धर्म कितना पसंद आता है या किस तरह से, सबसे ज्यादा रस की आसक्ति घटनी चाहिए। आसक्ति जो है वो किसी के भी हो तो ये चारों संज्ञाएं आपकी घटते जाए तो नियमित इसका कर्म बंध घटेगा, और ये चार भाव संज्ञा बढ़ जाए तो किसी का पुण्य बढ़े किसी के निद्रा बढ़े, दोनों लाभ होता जाएगा। ऐसी स्थिति में आसम विसज्ज इत्तानम अणगारस सोसिनिवो विनयनम बंध ए पाए भगवान एथमे खमे। गुरु भगवंत को वंदना आदि करके मुख्य रूप से धर्म श्रवण करना, धर्म सीखना समझना। भगवान महावीर की आत्मा भी एक दिन जंगल के अंदर नैसार के रूप में थी, और जंगल के अंदर एक दिन साधु संत का योग मिलने पर धर्म श्रवण किया, सीखा, समझा, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, तब जाकर के 27वें भव में महावीर बन सका। कल भविष्य में जो भगवान बने उसका बीज तो पहले रोपण होना चाहिए, बिना बीज के वृक्ष भी नहीं बनता है, तो ये भी पहले उतना ही अनिवार्य है। अभव पथिवातुपम अभय दाया भवा ही अनिच्छे जीव लोगम में किम इंसाय पसचे। अब गुरु भगवान तो उपदेश देते हैं, राजन सबसे पहले अगर आपको दुखी नहीं होना है, रोगी नहीं होना है, तो आपको हिंसा का त्याग करना है। जैन उसी का नाम है, सबसे पहले जीवन में से हिंसा का प्रमाण घटाए और अहिंसा जीव रक्षा प्राणी रक्षा की बात। क्यों, कारण क्या है, दुनिया में जितने अन्य धर्म समस्त जीवों में जीव नहीं मानते हैं उतना जैन धर्म सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल सबके अंदर जीवत्व तो मानता है और जीव की समानता मानता है। जैसी मेरी आत्मा है वैसी संसार में सबकी आत्मा है। मैं अगर किसी आज एक शरीर के पर्याय में हूँ, दूसरे कोई उस अन्य पर्याय में, कोई अन्य पर्याय में, इस तरह से किरियम अक्रियम विनयम अन्नानम च महामुनि एहिम चवीम ठाणे में अन्य किम पावस। संजय महात्मा जो है राजन, महामुनि संजय राजा को जिस तरह से उपदेश दे करके एक के बाद एक 18 ही पाप की निवृत्ति में धर्म बता रहे हैं। कई बार लोग धर्म करते हुए पाप प्रवृत्ति अगर न छोड़े तो परिणाम क्या आवे। दोनों हेतु साथ में समझिए आप, एक तरफ पाप प्रवृत्ति भी छूटनी चाहिए, घटनी चाहिए, और दूसरी तरफ जीवन के अंदर धर्म बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर ये साथ में जुड़ा है, आप ये समझिए कि कैसे जीवन के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पाप प्रवृत्ति छोड़ नहीं पाते। अब वो पाप प्रवृत्ति भी साथ में रखते हैं और ये सोचते हैं थोड़ा बहुत धर्म भी हम प्लस में कर लेंगे। नंबर दो के अंदर पाप प्रवृत्ति छोड़ने के बाद घटते घटते घटाते जाए और साथ में धर्म को बढ़ाते जाए। नंबर तीन, पाप प्रवृत्ति घटती जाए लेकिन सामने धर्म भी अगर आपका घटता जाए तो क्या होगा। और कुछ वर्ग ऐसे हैं कि पाप प्रवृत्ति बढ़ाते जाएंगे लेकिन सामने धर्म घटाते जाएंगे। बोलो साहब, केसी जी बोलो, क्यों आपने पसंद है पाप प्रवृत्ति घटावनी, धर्म प्रवृत्ति बढ़ावनी, आपने क्यों पसंद है। अबे सबका नंबर किस में है, बोलने में तो सब होशियार है, मुश्किल क्या हो जाएगा बक्शले। आपको लगता है पाप घटेगा धर्म बढ़ेगा तो कल्याण है, पर आज कितने लोग देखेंगे सुबह दर्शन पूजा कर लेंगे बापसी धर्म पूरा हो गया, धर्म का काम पूरा हुआ, अब खुले मैदान में कहीं पर भी जाओ तो बाद में उनके जीवन में धर्म घटता हुआ दिखाई दे, वहां पर फिर वो धर्मिष्ठ है ऐसा नहीं लगता। धर्म मात्र क्रिया प्रवृत्ति में नहीं, धर्म भी आपके अंतर परिणति में रहना चाहिए। धर्म अगर आपके जीवन में साथ में जुड़ा है तो वो आपके अंतर परिणति में रहना चाहिए, सोचिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो धर्म घटना नहीं, उम्र बढ़ेगी कल आपका दायरा बढ़ेगा, कल या तो आपकी सत्ता बढ़ेगी, कल आपकी संपत्ति बढ़ेगी,
कल आपके रिश्ते बढ़ेंगे, सब कुछ होगा। धर्म का स्थान प्रधान रूप से जीवन में रहना है और पाप प्रवृत्ति साथ में घटती रहनी चाहिए। सर जया सबम परिचय गंतव्यम अवस्थे अनिच्छे जीव लोकम में किम रज्जमी पसज्ज से। अब आप देखो कि आप तो राजा है तो आपके घर में अंतपुर रानियां और धन माल मिलकर संपत्ति राज वैभव सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन इसके साथ में पहले ये भी देखो कि दोनों में से आपका आसक्ति और प्रमाण किस में घटता है। पहले क्या बोला है, पुण्य बढ़ेगा, पुण्य के साथ धन संपत्ति बढ़ेगी, आसक्ति घटनी से। ख्याल है, शालीभद्र के पास कितनी अमाप धन संपत्ति थी लेकिन आसक्ति नहीं रही, ये फायदा हुआ। जब आसक्ति घट गई तो त्याग वृत्ति बढ़ गई। बोलिए साहब, दो में से क्या ज्यादा बढ़ना चाहिए, तब बढ़ना चाहिए कि त्याग बढ़ना चाहिए? हमारे जीवन में देखिए साहब, अगर तप के साथ त्याग नहीं बढ़ा या त्याग के साथ तप नहीं बढ़ा, दोनों तरफ नुकसान है। आपका तप बढ़ता जाए और तप के साथ त्याग बढ़ता जाए, तप थोड़ा सा तत्कालीन है, थोड़े समय के लिए। हमारे यहाँ तो रिवाज हो गया प्रदूषण आवे जे तप करना, मोटी तप से कोई प्रदूषण आवे जाए और बाद में प्रदूषण बीत गए 12 महीने, अब क्या करना सब? पर्यूषण में पाप धोने का है, बाकी 352 दिन पाप करने की छूट है सर। अब ये हमारी तकलीफ हो गई है। आप जब तक रोज पर्यूषण नहीं समझोगे, पाप प्रवृत्ति नहीं घटेगी, वहां तक तकलीफ। सोन तस्सो धम्मम अणगार अंतिये महा महया संवेग दिव्यो समावन्नो नराहेवो। गुरु महाराज के पास मुख्य रूप से धर्म श्रवण करने के बाद अब धर्म समझ लेना बहुत जरूरी होता है। अब धर्म श्रवण भी न हो और धर्म की श्रद्धा भी न बढ़े, दोनों में से अगर तकलीफ हो गई भागशाली तो आगे नहीं बढ़े। दोनों तरीके अपनाइए, श्रवण करना भी और श्रद्धा बढ़ाना भी, प्रवृत्ति करना भी है, वृत्ति सुधारना भी है। ये दोनों की आवश्यकता जीवन के अंदर अनिवार्य रूप से पड़ जाती है। अब ये कक्षा हमारी कैसे बने, इसकी बात यहाँ विशेष रूप से समझाई गई। तो ये सुनकर श्रवण करके संयत राजा अपनी तरफ से इखाग राय वसंभो कुंथु नाम नराहिवो विखाय कित्ति भयम पत्तो गही मनुत्तरम। भगवान महावीर स्वामी भी जगत के जीवों को उपदेश देते हुए अपने से पूर्व पहले 16वें शांतिनाथ गण चक्रवर्ती हुए, पहले बाद में तीर्थंकर हुए, अब कह रहे हैं 70वें कुंतुनाथ भगवान देखिए स्वयं पहले चक्रवर्ती बनते हैं और 6 खंड का राजपाट छोड़ करके अब दीक्षा लेकर के साधु जीवन में भी आते हैं सर। तो ये विशेषता है कि एक व्यक्ति अपने लिए कितना बड़ा संसार बढ़ा दे, कितना बड़ा। अब हमारे यहाँ संसार के अंदर तो 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती की कक्षा अंतिम कक्षा है। यहाँ की धरती ऊपर चक्रवर्ती के 6 खंड का राजपाट सबसे बड़ा है, अब इससे बड़ा कोई राजपाट होता नहीं। यहाँ से आप चले जाओ देवलोक के अंदर तो वहां सौधर्म इंद्र का जो है वो यहाँ के चक्रवर्ती से भी बड़े कहलाएंगे। लेकिन एक बात समझिए, चक्रवर्ती हो या देवता हो या इंद्र हो, तीर्थंकर के चरणों में सभी आ। अब तीर्थंकर के पास तो कोई रिद्धि सिद्धि संपत्ति कुछ भी नहीं है सर, धन माल मिलकर तो कुछ भी नहीं है, तीर्थंकर तो मात्र वितरागी, भगवान तो केवल ये चक्रवर्ती और इंद्र आदि सब समझते हैं, इनको सबको मालूम है कि किसी भी हालत में जो है हमारा भी यही स्वरूप है, लेकिन ये धन संपत्ति सारी विनाशक है। इसलिए चक्रवर्ती भी तीर्थंकर के चरणों में नतमस्तक होते हैं, बाकी दुनिया में और किसी के चरणों में नतमस्तक नहीं होते। देवलोक के अधिपति इंद्रादि भी आप देखेंगे एकमात्र तीर्थंकर के चरणों में नतमस्तक होते। परमात्मा के 5 कल्याणक मनाने के लिए इंद्रादि प्रयत्न करेंगे, बाकी दुनिया के और किसी के लिए नहीं। आपने देखा है दुनिया में अन्य भी भगवान बहुत होते हैं लेकिन किसी के 5 कल्याणक नहीं देंगे।
अन्य धर्मों के भगवान तो है ही ना। अब वहां च्यवन जन्म दीक्षा केवल ज्ञान को न उनका च्यवन का वर्णन है, न वो दीक्षा लेते हैं, न कोई केवल ज्ञान की बात आती है, न उनका निर्वाण। इसलिए हम यहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा के पांचों कल्याणक से उनकी आराधना उपासना विशेष रूप से करते हैं, ये मुख्य बात आ गई। अब यहाँ पर संयत राजा आदि भी अपने तरह से संसार आदि का छोड़ करके, और वो भी कम धीरे अहे ओहिम अत्तानम परिआवसे सर्व संग विनिमुक्ते सिद्धे हवे निरे, सर्व संग का परित्याग करके जब आत्मा ने संयम का मार्ग स्वीकार लिया, अब वो आत्मलक्षी बन गए। जैन साधु का जीवन जो है वो आत्मलक्षी जीवन, इसलिए संयम की साधना भी आत्मलक्षी बनाई गई है। यहाँ पर अब विशेष रूप से 19वां अध्ययन मृगापुत्रीय अध्ययन बना। मृगापुत्र के अध्ययन का मुख्य हेतु कौन है, कैसे हैं, किस प्रकार के लोग हैं, ऐसा एक मृगापुत्र का चरित्र आपने विपाक सूत्र के अंदर सुना है। यहाँ भी मृगापुत्र का अध्ययन जो है उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर सुरगीवे नगर नहरे रम्मे कान अनुजान सोहिये राया बल बद्धति मिया तस्सक महिषी तेसिम पुत्र बल सिरी मिया पुत्र ते विश्वे अम्मा पिउन दये झुबराया दमी सरे। पिता का नाम जो है और माता का नाम इस प्रकार का था, इसलिए पुत्र का नाम मृगापुत्र माता के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। नंदने सो उपासाए किल ए सह इथिम देवो दुवुंदो बुंद गोचेव निचम मुहि अना। जीव जब देव गति से आता है और दैवी लक्षण लेकर आ, देखिए आपने भी कल्प सूत्र सुना है, अभी कल्प सूत्र के पहले ही व्याख्यान के अंदर ये बात आई, कैसे जो है जीव जब देव गति से आता है तो देवी लक्षण कौन से होते हैं, और वैसे प्रवृत्ति रहेगी तो निश्चित समझिए यहाँ से मरकर फिर वापिस देव गति में जाने वाले। आपको पहले ये चारों लक्षण मालूम होने चाहिए। कल्प सूत्र फिर अगले साल सुनो तो लिख करके लगना, आपके घर भी बेटा आता है जन्मता है तो लक्षण से परख सकते हो हाँ साहब ये जीव किस गति से आया है और वापिस किस गति में जाने के लक्षण वाला है। इमम शरीरम अनिच्चम असुई असुई संभवम असांसया वासमीनम दुख केसान भायनम। शरीर नाशवंत है, आत्मा शाश्वत है, शरीर अशुचियों से भरा हुआ है, आत्मा शुचि भाव में पवित्र है। जहाँ किम पाग फलान परिणामो न सुंदरो एवं बुद्धान भोगान परिणामो न सुंदर। भगवान उपदेश में कह रहे हैं कि भाई किम पाग का फल इट इज सिमिलर लाइक द टोमेटो, एक टमाटर जैसा ऐसा आता है कि आपको दिखते ही तो एकदम लाल चटक दिखे और खाने में मीठा लगे तो लोग खाने लग जाए, लेकिन वो जंगली फल ऐसा होता है जहरीला कि खाने के बाद लोगों की मृत्यु होती है। महावीर ये कह रहे किम्पाक फल के जैसे संसार के सुख भोग है, संसार के सुख भोग भोगते समय थोड़े टाइम के लिए आपको सुखरूप राजी होने जैसे लगेंगे, लेकिन कालांतर में यही आपके दुख का कारण भी बन जाते हैं। एवं लोए पलितम में जरा ए मरने नय अपानम तारे सामे तुबे अनुमन्ने। हे आत्मन पहले ये समझो कि जन्म जरा मृत्यु ये जन्म जरा मृत्यु के जो निमित्त है ऐसे इनसे कैसे आत्मा बच सकती है, कैसे इनसे डर, ये हेतु हम यहाँ पर बताए। समया सब अभूसो सत्तु मित्ते सुवा जगे पाणा इवाय विर ए जावत जीवाय दुष्करण। सर्व जीवों के विषय में अथवा जगत के अंदर शत्रु मित्र ऊपर सबके ऊपर समभाव रखना है। सबसे पहले संसार का हेतु समझिए, किसी के ऊपर किसी प्रकार का राग द्वेष क्लेश कसाय वैर मनुष्य द्वेष दुश्मनी मत बढ़ाओ। कोई भी हो कैसे भी निमित्त आए संसार के अंदर ये होना ही होना है, जीव तो आएंगे सब, लेकिन आप सुरक्षित रहने की कोशिश करें। 100 वर्षों के जीवन काल के अंदर न किसी के साथ द्वेष दुश्मनी बढ़ाओ, न किसी के साथ वैर वैमनस्य बढ़ाओ, न किसी के साथ राग द्वेष बढ़ाओ। क्या लेके जाना है आप, क्या लेके जाओ,
आज के इस वर्तमान जन्म के ऊपर भविष्य के 100 नहीं 1000 भवों का आधार है। आज के लेन देन की, आज की वस्तुओं की, आज के साधन सामग्रियों के, आप इनके कारण अगर किसी के साथ राग द्वेष बढ़ाओगे, धन संपत्ति यही रहने वाली है, सब कुछ यहाँ छूटने वाला है। बढ़ाए हुए राग द्वेष, बढ़ाए हुए द्वेष दुश्मनी 100 जन्मों तक साथ में आ जाए तो भविष्य के भग बिगड़ जाएंगे। कल तिरंत गति में जाओगे, न तो धन संपत्ति है, न माल मिलकत है, न कोई गाड़ी बंगला है, लेकिन वह वैमनस्य जब साथ में आ जाएगा तो एक बिल्ली कबूतर को देखते ही मारेगी, एक बिल्ली चूहे को देखते ही मारेगी। वैर वैमनस्य की वृत्ति, द्वेष दुश्मनी के भाव की वृत्ति उसमें आ गई। सुहो इयो तुमम पुत्तो सुकुमालो असुमत जियो नहु से बहु तुमम पत्ता सामन्य मनुपालिया। हे पुत्र, यहाँ पर सुख बुद्धि और दुख बुद्धि में जो वृत्ति बनाई है, इन दोनों के अंदर विचार करो, कब आपकी सुख बुद्धि और कब आपकी दुख बुद्धि किसमें। ये तो पदार्थों के संयोग है, ये लोगों के जीवों के निमित्त हैं। सबका साथ संयोग आपको कैसा मिलेगा और किस प्रकार का वियोग, इन निमित्तों से बचने के लिए आप प्रयत्न करें। जहाँ अग्नि सिहा दिता पाउम हो ई सुदुक्रम थ दुक्रम कहे उजे तारुण्य तारुण्य समण तनम। अब जिस तरह से आप सोचते हो युवावस्था के अंदर यौवन में सुख भोग भोग लें, यहाँ महावीर कह रहे हैं कि भाई आप अपनी अपनी उम्र के हिसाब से त्याग कहाँ बताना है आपको, आप किस जगह पर आपकी अपनी तरह से त्याग भावना, धर्म भावना, दान बुद्धि, कहाँ किसकी आवश्यकता है, कहाँ जो जाना बताओ। जहाँ भुंजा इम तरी उम दुख करम वैणायरो तहा अनुवसंतेणम दुख करम दमसायरो। जब आप जो है विशेष करके दुष्कर रूप में रत्न का सागर भी प्राप्त हो जाए, ऐसे अनुपशांत उपशम के भाव में रहे हुए अर्थात कसाय वृत्ति वाले जीवों को यहाँ पर चारित्र रूपी सागर तैरना बड़ा मुश्किल हो जाए। शारीरम आसमान साचेव वे अनाओ अनंत हो मये सोढ़ाओ भीमा हो असई दुख भयानिया। शरीर है, रोग बीमारियां आएगी, सब शरीर के अंदर रोग बीमारियां आना अनिवार्य ऐसा नहीं है, लेकिन जो जीव जितनी जीव रक्षा करते हैं उनको उतना ही निरोगी शरीर मिलता है, जो जीव जितनी जीव विराधना करते हैं उनको रोग बीमारियां भी उतनी आती है, तकलीफें भी उतनी आती है, अंतराय कर्म उनका ही ज्यादा बढ़ता है। दोनों हेतु समझ करके चलिए साहब। यहाँ पर जार हिस्सा मानु से लोए ताया दिसंत वेणा ए तो अनंत गुणिया नर ए सुदुख वेणा। आज हमको लगता है कि हमारे जीवन में एक छोटा सा दुख आपको बड़ा लगता है, थोड़ा सा दुख आपको 10 गुना ज्यादा लगता है, लेकिन आप कैसे भी करके आपसे 1000 गुने ज्यादा दुखी लोगों को देख करके अपने दुख को कम समझने की कोशिश करिए, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। जब आप अपना ही दुख कम समझेंगे तब आपको इतनी अर्थ चिंता नहीं होगी। और सबसे ज्यादा मनुष्य से 1000 गुना ज्यादा दुख तिर्यंच गति में, तिर्यंच गति से 1000 गुना ज्यादा दुख नरक गति में। तो आज उनकी तुलना में आप समझोगे मेरा तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, हमारा तो उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है था, ये समझ करके चलिए। क्यों इतना दुख आता है जीवन में, क्यों इतनी रोग बीमारी आती है। कई लोगों को आप देखोगे जन्म से रोग बीमारियां, कोई माता के गर्भ से ही रोग बीमारियां साथ में लेकर आते हैं। कई लोगों की रोग बीमारियां मिटती हैं और कई लोगों की रोग बीमारियां आयुष्य भर जीवन भर चलती है। तो जितनी ज्यादा वेदना पीड़ा रोग बीमारियां है, समझ लेना हमने कहीं ना कहीं जीव विराधना इतनी ही ज्यादा प्रमाण में की, नहीं तो नहीं आएंगे। अगर आप निरोगी और स्वस्थ काया वाले हैं, उम्र के साथ कोई संबंध नहीं है, आप कितनी भी उम्र में रहिए साहब, फिर भी आप उस समय जो है निरोगी स्वस्थ काया वाले हैं, ये आपको प्रमाण पत्र है कि पिछले जन्म से ही आप जो है आपने किसी को ज्यादा तकलीफ नहीं दी होगी, आपने किसी को ज्यादा दुखी नहीं किया होगा, आपने जीवों को बहुत अच्छी तरह से संभाला होगा, सबकी आपने जेना और रक्षा ये दोनों हमने अच्छी तरह से की होगी। आज उसी का परिणाम है
लेकिन वर्तमान काल के अंदर शरीर के छोटे से सुख के खातर आप दूसरे जीवों को दुखी करने की वृत्ति न रखें। अप सत्य हिम दारे हिम सब ओ भी आसवो अज्जप ध्यान जोगे हिम पसत्त दममासासनम एवं नानेन चरणेनम दंसनेनम तवेनय भावना ही असुद्धा हिम सम्मम भावित्तु अप्पयम। आप पहले ये समझिए आखिर मेरी आत्मा के लिए कौन साधने भूत निमित्त है। आपने क्या सबसे बड़ी गलती कहाँ की? हमने अगर अपनी आत्मा को पहचान लिया होता और ये समझ गए होते कि आत्मा की मेन प्रॉपर्टी क्या है, ये आत्मा के गुण है। अब यहाँ मुख्य गुण आपका ज्ञान है तो इसके सामने ज्ञानाचार धर्म हो गया। आपका मुख्य गुण आत्मा का आप समझिए कि दर्शन गुण है, ये इधर दर्शनाचार धर्म हो गया। एक एक गुण के अनुरूप एक एक आचरण जो है वही आत्मा का मुख्य धर्म है। संप्रदाय किसमें बनते हैं? गच्छ और मत और पंथ किसमें बनते हैं? बाहर के व्यवहार के आचरण में। आत्मा धर्म में ना कोई संप्रदाय आता है ना कोई मत और पंथ आता है। यहाँ ये हो गया चारित्र गुण आपका जो है, तो ये आपका चारित्राचार है। इधर आपका अनंत वीर्य गुण है, ये आपका जो है तपाचार मुख्य धर्म हो गया। जो आत्मा के मूलभूत गुण थे, अब करना क्या है कि ये आत्मा अपनी तरह से आत्मा में अनंत वीर्य है तो ये इसका वीर्याचार का पालन करे। अब ये उसकी शक्ति का उपयोग करना है। आप किस में शक्ति का उपयोग कर रहे हो? हम चलते कहाँ? इधर देखिए, ज्ञान गुण है ज्ञाना वर्णीय कर्म बांधने में प्रवृत्ति ज्यादा। दर्शन गुण है दर्शना वर्णीय कर्म में हम उल्टे चल रहे हैं। चारित्र गुण को उल्टा करके मोहनीय कर्म में राग द्वेष क्लेश कसाय करके कर्म बांध रहे। आत्मा जिस गुण से विपरीत आचरण करेगी उसका कर्म निश्चित बनेगा। नियम ख्याल में रखिए, आत्मा अपने गुणों से विपरीत आचरण कर रही है। मैं दूसरों को गाली दे रहा हूँ, मैं दूसरों को इंसल्ट कर रहा हूँ, लेकिन दूसरों के नहीं, वो तो सहन कर लेंगे लेकिन मैं तो कर्म बांधूंगा। जब आप यहाँ पर इस गुण को ढक देंगे, अब ये हो गया आपका मोहनीय कर्म। अब इधर से राग द्वेष करके गाली गलौज के यहाँ आकर के आपको नीच गोत्र कर्म में जाना पड़ेगा। क्या फायदा हुआ? ऊपर से गोत्र कर्म आपने जो है उपार्जन कर लिया, नीच गोत्र कर्म में भव बढ़ा करके आपको दुखी होना। इसलिए यहाँ पर धर्म दिया है। अब पांचों आचार प्रधान धर्म हो गया। पर्युषण आए तो पांचों को एक साथ में करिए। खाली अकेली तपश्चर्या ही करना ऐसा नहीं है। पर्युषण में एक भी जिन वाणी का श्रवण छोड़ना नहीं है, वो आपका ज्ञानाचार है। दर्शन पूजा भक्ति दर्शनाचार है। सामयिक पौषध प्रतिक्रमण ये आपका चारित्राचार है। और तपाचार तो करते ही है, लेकिन तपाचार खाली पर्युषण तक सीमित मत रखो। 12 महीने तपाचार से रोज श्रावक जीवन हो साधु जीवन हो, छोटे से छोटा तप बड़े से बड़ा तप। आप नवकाशी करते हो, चौबियार तिवियार करते हो, ये भी तप है, रहना जरूरी है। रोज जिनवाणी श्रवण करना ज्ञानाचार, रोज दर्शन पूजा भक्ति करना दर्शनाचार है, रोज सामायिक प्रतिगमन करना चारित्राचार है, रोज छोटा बड़ा तप करना तपाचार है, और रोज आत्मा अपने वीर्य शक्ति का उपयोग करते हुए बढ़े। तो ये धर्माचार हमारा प्रतिदिन का जोड़ा है। आप ये मत समझिए कि एक दिन हो गया उस दिन। महावीर साहब कह रहे हैं जिस दिन करोगे उसी दिन, जिस दिन पाप करोगे उस दिन कर्म बंधेगा, जिस दिन आप कर्म क्षय करोगे उस दिन आपका कर्म क्षय होगा, जिस दिन आप धर्म करोगे आपका विशेष लाभ। तो ये हेतु अगर हम समझ जाए तो यहाँ पर मुख्य रूप से यही बात कही कि आत्मा अपने धर्म में रहे,
आत्मा कहीं कर्म बंध में न रह जाए। वियाणिया दुख विवडणम धनम अवत बंधम च महभयाणम वहम सुहावहम दम मधुरम अनुत्तरम नारेह निर्वाण गुणा वहम वहम। अब जिस तरह से आत्मा जो है अपने दुख का क्षय कर्म का क्षय दोनों ही निमित्त वो अपने धर्माचरण से मुख्य रूप से कर सकता है। ऐसा देख जो कितना अच्छा देख 10-15 अब यहाँ 20वां अध्ययन है महान निर्ग्रंथी अध्ययन। मुख्य रूप से आपने देखा कि साधु महाराज के लिए जो एक शब्द का प्रयोग किया है यहाँ इस शब्द के अंदर मुख्य शब्द है निर्ग्रंथ। अब आपने ये शब्द सुना है और इसके साथ में ये शब्द है ग्रंथी। ग्रंथी का मतलब गांठ। अब साधु का जीवन ही ऐसा है साधु को शरीर के साथ वस्त्र इस प्रकार के हैं। आपको वस्त्र सी करके नहीं पहनने हैं वस्त्र जले हुए नहीं जोड़ करके साधना या सिलाई करके पहनने का निषेध कर दिया है। सिलाई करके पहनने की बात होती तो 1000 फैशन है आ जाती चले तो साधु हजारों वर्षों से आप देख रहे हो आज लाखों वर्षों से एक ये कपड़ा लिया खोल करके आपने ऐसे ही करके खभे पर डाल दिया अब ये हजारों वर्षों का एक यूनिफॉर्म हो गया। आपको मात्र वेश दिखे तो भी हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो सकते। आप हाईवे पर गाड़ी लेके जा रहे हो रास्ते पर साधु महाराज को खाली यूनिफॉर्म से देखा है अभी तक वेश से देखा है न चेहरा देखा है न पहचाना है मोरा मारा जगह करना है कोई मतलब नहीं। आपको सिर्फ वेश देख करके भी वंदन करना है। अब हजारों साल की एक परंपरा चली आज दिन तक हमारे घरों में तो आप महिलाओं को देखिए आज फैशन दूसरी तो कल दूसरी आएगी परसों तीसरी आएगी। ये भी आप समझेंगे पांचवे आर्य के कलयुग के भाव भाई साहब भूल से भी ये हमारा उच्च गोत्र का जैनों का घर रास्ता जो है स्त्री को अपना शरीर प्रदर्शन करने का लिए रास्ता नहीं होता है ये गलती कभी मत करो आप। हमको यहाँ सुशील सन्नारी के रूप में रहना है सज्जन सन्नारी के रूप में कि जिसके प्रति सद्भाव जगे किसी को देखते हुए भी आपके प्रति सद्भावना जगे वैसा जीवन बनाइए। नहीं तो हम अपने ही शरीर से अपने धर्म की बाहर बेइज्जती करा देंगे तो और नुकसान होगा। महानिर्ग्रंथीय जिसके शरीर पर वस्त्रों में गांठ नहीं है पात्रों में गांठ नहीं है दिगंबर समाज में निर्ग्रंथ शब्द ज्यादा प्रयोग करते हैं। गांठ वगरना मनमय गांठ नथी कपड़ामय गांठ नथी वस्त्रादि में कोई गांठ नथी ये तो बाहर की गांठ है लेकिन अंदर किसी के प्रति आप गांठ बांध लो तो वो कसाय की गांठ यहाँ की गांठ तो फिर भी खुल जाएगी लेकिन साधु अपने जीवन में जो देखे समझे कि नहीं तो भविष्य में किसी के प्रति बांधी हुई गांठ वो भवांतर में जन्मांतर में कहीं किसी के साथ न आ जाए। सिद्धानम नमो किच संजयानम च भाव अथ दम गईम तम अनुसिठिम सुने हमें। तीर्थंकर भगवंतों को सिद्ध भगवंतों को नमस्कार आदि करके यहाँ पर विशेष रूप से धर्म आदि की मुख्य बात जो कर रहे हैं तत्सर्वंतु पासित तारा इणो तम्य संजय अचंतम परमो अस आसी आम हो। तो यहाँ पर सबसे पहले किससे विरक्त होना है आपको पुद्गल के वर्ण गंधर स्पर्श। इधर देखिए जब हम देखते हैं तो आत्मा के तो कुछ भी नहीं होते। अब हमने जो जिस प्रकार का शरीर धारण किया तो पहले आपको क्या समझना चाहिए कि ये जो शरीर है और इस शरीर के साथ में ये हमारी जो चेतन आत्मा है अंदर आप पहले ये समझिए कि मैं आत्मा हूँ। अब शरीर शरीर तो रूप में है ये सब लेकिन आप मात्र शरीर का विचार न करते हुए मैं अपने आप को पहले एक आत्मा समझूं वैसा। अब आपको ये समझना है रोज आपको 10 मिनट तो ध्यान करना है
जैसे भी आप ध्यान मुद्रा में बैठकर शरीर का विस्मरण करिए, अंदर बोलिए मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतन आत्मा हूं। बस एक लाइन, मैं ज्ञान दर्शन आदि चेतना वाला जीव हूं, शरीर वर्ण गंध रस स्पर्श वाला पुद्गल द्रव्य है। शरीर मैं शरीर नहीं, शरीर विनाशी है, शरीर नाशवंत है, शरीर जलकर राख होने वाला है, मैं चेतन आत्मा। दो मिनट, पांच मिनट, एक बार हैबिट डालो, सुबह नींद में से उठते करिए, रात को सोते करिए, कहीं ना कहीं शरीर का विस्मरण होना चाहिए। दो मिनट के लिए, पांच मिनट के लिए शरीर को भूलना सीखो, आत्मा को समझना सीखो। जब तक आप एक क्रिया इतनी भी नहीं करोगे क्या होगा, मंदिर क्यों जाना है? मंदिर में परमात्मा जिस प्रकार के जैसे है, तो परमात्मा को देख करके प्रभु जैसे आप हो वैसा ही मैं हूँ, आप मेरे जैसे हो, मैं आपके जैसे। आप क्या करते हो? कायिक क्रिया, बस वेगी क्रिया पूरी, वेगी आलो हो गई, हो गई, हो गई, पूजा हो गई, समझे कि नहीं? बस ऐसे करके आप भागते हो, यहाँ गलती हो रही है। सब क्रिया हो गई, सब विधि पूरी हो गई, चैतन्य हो गई, आप शांति से बैठ जाओ, और कुछ नहीं तो भगवान जैसे बैठे वैसे बैठ। दो मिनट, तीन मिनट, पांच मिनट, बस खाली बैठ के, बैठ करके आंखें बंद करिए, एक मिनट भी आंख खुली मत रखना, नहीं तो सब आने जाने वाले को देखते रहेंगे। आप बैठ करके एक बार आंख बंद करके भगवान जैसे आप हो वैसा मैं हूँ, आपके जैसा मैं हूँ, मेरे जैसे आप हो, जो आपके गुण है वही मेरे गुण है, जो मेरे गुण है वही आपके गुण है। बस आपने आपके सब आवरणीय कर्म हटा करके गुण प्रकट कर लिए। मैंने अभी तक मेरे आवरणीय कर्म हटाए नहीं है, मेरे गुण अभी प्रकट नहीं हुए, इसलिए तो आपके पास आया हूँ मैं, इसीलिए आपके चरणों में आया हूँ। मुझे मेरे गुणों की प्रतीति हो, ख्याल है, अनुभूति हो, स्वयं आत्मा की अनुभूति करना सीखो और स्वयं आत्मा के गुणों को अनुभूति में लाओ, तब धर्म होगा। इसलिए पहले, अब आपने ये देख लिया, यहाँ पर जिसको काया नाम दिया है, तो ये काया, ये शरीर, तो शरीर किसका बना हुआ है? पुद्गल का बना। पुद्गल के गुणधर्म कौन से हैं? वर्ण गंध रस स्पर्श। वर्ण गंध रस स्पर्श वाला पुद्गल का शरीर यही जलने वाला है। संसार के और किसी व्यवहार में जाओ के न जाओ, मृत्यु की अग्नि संस्कार यात्रा में जरूर जाओ। अग्नि संस्कार यात्रा में जा करके वहां देखो, एक घंटे तक खड़े रह करके देखते हुए चिंतन करो कि शरीर जल रहा है, आज इनका जल रहा है, कल मेरा भी तो जले, आज दूसरा का, आज किसी दूसरे का मैं देख रहा हूँ, कल मेरा भी तो लोग देखेंगे, आज मुझे किसी की मृत्यु के अग्नि संस्कार में देखकर दो मिनट में रवाना होने की बुद्धि होती है। लोग शमशान में पांच दस जने मिल करके वो अपने मोबाइल पर फोन से बातें शुरू करते, नहीं, शमशान में किसी के जलते हुए शरीर को देखो और मन में वैराग्य से चिंतन करो, भले किसी का है, मृत्यु किसी की है, दुख सबको है, लेकिन थोड़ा पांच मिनट चिंतन का समय तो लो, मैं भी कल मरने वाला हूँ, इतना तो विचार आने लग जाए आपको तो भी बहुत बड़ी बात है, समझे? यहाँ पर अणहोमी महाराय नाहो मज्ज नविज्जयी अनुकंपगम सुहिवावी कंची नाभि समय। मुख्य रूप से सैनिक राजा वो जब जंगल में गए हैं और जंगल में एक साधु महाराज को कौशल ध्यान में खड़े देखे, बहुत ही यंग एज के अंदर युवा अवस्था में है, शरीर का रूप रंग सौंदर्य है, राजा महाराजा के राजकुमार है ऐसा लग रहा है, तो श्रेणिक राजा दो मिनट घोड़े पर से नीचे उतरता है, महाराज को देखता ही रहता है। मिथ्यात्व है, श्रेणिक महाराजा ने अभी तक किसी साधु संत को हाथ भी नहीं जोड़ा था, कुछ भी नहीं मानता था, लेकिन इनको देख करके लग रहा है ऐसे सुंदर राजकुमार साहब, जिसके आप कहते हैं बॉडी लैंग्वेज भी आप समझ लो, देख लो, तो बहुत बड़ी बात है। तो श्रेणिक महाराजों को सबसे बड़ा आश्चर्य लगा,
लेकिन अभी वो मेडिटेशन के अंदर स्थिर है। वहां तक श्रेणी महाराजा ने सोचा कि इनका ध्यान भंग नहीं करो। जब उनका ध्यान पूरा हुआ तब श्रेणी राजा ने पहली बात पूछी कि महाराज आप दीक्षा क्यों ली थी सर, कोई हुआ आपका तो राजकुमार का शरीर राज रंग का रूप रंग का वैभव इतना है और आपको संसार छोड़ने की क्या जरूरत पड़े। एक सामान्य धारणा ऐसी लोग समझते हैं कि दीक्षा कौन ले सा घना दुखी हुए घर संसार में जको दीक्षा ले। ऐसा मत समझिए आप। महावीर ये कह रहे हैं कि दुख में संसार छोड़ना उससे ज्यादा सुख में संसार छोड़ना है। आज ही भाषा आप देखवा जाओ तो घना साधु संत ऐसा मोटा घराना रहे। घना साधु संत ऐसे सुखी संपन्न परिवार से। आज जैन समाज में आपने बाबूलाल जी आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लड़कियां यौवन वय में शादी की दहली पर आती है तब दीक्षा ले रही है। कतरा ढोकरा माजियन दीक्षा लेता देखिए आप। घना हाउजी है जो कंठालिया पर दीक्षा ले रही है कतरा है। अभी जिसकी सासू भी नहीं बनी है कोई नहीं है ऐसी 18 20 22 25 साल की उम्र में दीक्षा ले रहे। और आज तो इतनी दीक्षाएं हो रही है अच्छे अच्छे MD डॉक्टर अपना छोड़कर दीक्षा ले रहे। आज अच्छे CA लोग पढ़े हुए दीक्षा ले रहे। 25-50 लाख के पैकेज वाले संसार छोड़ के दीक्षा ले रहे। जैन दीक्षा का सबसे बड़ा महत्व ये है दुख में संसार नहीं छोड़ते हैं सुख में संसार। ख्याल है दुख में धर्म करो ऐसा नहीं सुख में इतना धर्म करो कि दुख की नौबत ना आए। लोग क्या उल्टा करते हैं मैं दुख आ भी जाए धर्म करो बाप से कोई अबर तो ठीक है अबर तो हालेरी है पासी मैं उग्रोनी नहीं आवे जे नाकोड़ा बजे हो सा। ये गलती मत करो आप समझेंगे। तो ऐसा सोच करके श्रेणी महाराजा ने जब देख करके साधु महाराज को पूछा कि आप कोई लगते तो बड़े कोई राजकुमार लगते आप लगते तो देखने से तो अभी मेरा परिचय तो नहीं है लेकिन आपकी कोई विशेषता क्या है बताइए आपने दीक्षा क्यों ली। आप भी सब एक नियम करो कोई साधु महाराज मिले तो उनके पास जाके शांति से बैठो रस्ते आलता नहीं सा कभी महात्मा पुरुषों के पास 2 दिन 4 दिन 5 दिन जाने के बाद 8वें दिन पूछिए बाप जी आपने दीक्षा क्यों ली। आपकी दीक्षा का वैराग्य का कोई प्रबल निमित्त समझाओ। कल मुझे भी कल अंदर से वैराग्य जागे वैसा कोई आपको निमित्त होना। शास्त्रों में तो ऐसे चरित्र हजारों ऐसा लेकिन यहाँ जब उन्होंने निर्ग्रंथ मुनि ने अपनी तरफ से अनाथी मुनि है तो उन्होंने अपना एक ही जवाब दिया राजन आप समझदार हो बुद्धिशाली हो मैं तो एक बात में ही आपको कह देता हूँ एक ही बात मुझे लगा कि मैं अनाथ हूँ अब मेरे सिर पर कोई नाथ नहीं है इसलिए मैंने संसार छोड़कर दीक्षा ली। उनका नाम ही अनाथी मुनि था। क्यों बाप जी ऐसा कैसे लगता है अब जिस किसी का कोई नाथ हो उसका नाथ मैं बन जाता हूँ राजा मैं नाथ बन जाता हूँ आलो पासा घरे आलो सा। कितने साधु महाराज को आप खींच के घर ले आए और कितने समाज में से निकल करके दीक्षा ले चुके। भगवान महावीर का शासन तो चलेगा तो साधु संतों से ही चलेगा। आप तो कोई करो व्यापार करे पिया कबावे ने बैंकों में FD करे आप क्या कर सकते हो। ये बात निश्चित है कि 5वें आर्य के अंत तक 21,000 बरस तक की साधु साधियों की परंपरा चलती रहे। आपके घर तो आपका वंश चले या न भी चले ख्याल है कि नहीं लेकिन साधु संतों की परंपरा चलती रहे। ऐसी स्थिति में यहाँ पर अनाथी मुनि ने जब ये शब्द कहे तो ये बात जय श्रेणी के गले नहीं उतरी तो उन्होंने पूछा राजन ये कैसे हुआ ये कैसे संभव हुआ। तब उन्होंने कहा भाई मैं भी राजघराने का राजकुमार हूँ राजा का बेटा हूँ राजकुमारियों के साथ शादी हुई मेरा भी संसार बड़ा सुखी संबंध था लेकिन शरीर की रोग बीमारियों ने ऐसा घेर लिया मुझे और लगा कि अब ये बीमारियां मेरा आयुष्य समाप्त कर देगी। मैंने अपना संकल्प किया कि मैं इस रोग बीमारी से बच जाऊं तो मैं कल दीक्षा लूं। कोई बोलो अस्थि मुझे कभी लेनी अभी
अब आप ये विचार करो, कोई संकल्प तो करो जीवन में, ये निमित्त टल जाए मैं दीक्षा ले लूं, रोग बीमारी मेरी टल जाए दीक्षा लो। एक भाई साहब ने कहा कि महाराज साहब मेरी उम्र 40 बरस की है और मेरे को कैंसर हो गया और डॉक्टर ने कैंसर मतलब कैंसल कह ही दिया है, अब बचने की कोई आशा ही नहीं है, कोई संभावना नहीं है। आप सोचिए, गुरु महाराज ने उनको सलाह दी कि तुम्हे नक्की करो मारू आ कैंसर मटे तो दीक्षा ले। वैसे भी नहीं करते हैं, इतना भी लोगों से नहीं होता है। उन्होंने संकल्प किया और परिणाम देखिए आप, 8 महीने में उनका कैंसर बिल्कुल जड़ मूल से चला गया। अब डॉक्टर ने कहा यू आर टोटली फ्री नाउ, नो जम्स एट ऑल, टोटली आप फ्री, अब खाओ पियो मजा करो। तब उनको उनके मित्रों ने याद दिलाया, भाई आपने तो प्रतिज्ञा की थी, अब आपको क्या करना चाहिए, तो के बरोबर मुझे लेनी। आपने सोचो, आप 2 महीने में सब कुछ तैयारी करके उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद और 40 बरस तक चारित्र पाला। 40 की उम्र में कैंसर हुआ था और 42 बरस और निकले, 82 बरस की उम्र तक वो चारित्र पाल सके। अब सोच लो, अबे जतरा कैंसर भय है, उन्होंने कहा कि अबे दीक्षा लेवर नक्की करो, बोले भावी तो नहीं बनते हैं लोग, मृत्यु आ जाएगी मरने के लिए तैयार है लेकिन संसार छोड़ने के लिए इतना जल्दी भाव नहीं। फिर भी आपको आश्चर्य लगेगा, पूरी दुनिया के अंदर जैसी दीक्षाएं जैन शासन में होती है वैसी आपको बाहर देखने नहीं मिलेगी, देखने नहीं। आखिर श्रेणिक महाराजा ने अनाथि मुनि को नमस्कार किया, रहा मैं आपको चरणों में नमन करता हूँ। अब अनाथि मुनि ने उपदेश दिया, धर्म समझाया, सारा तत्व उनको सिखाया और इसका परिणाम ये आया कि जिसके कारण जो है तानं तुभं जाने अनाहस अत्थं पोत्थं च बत्थिवा जहां अनाहो हवई सनाहो वानरा। अगर उस समय श्रेणिक महाराजा के सबदलाए कोई आप में से कोई होता तो उसी समय कोई दीक्षा ले ले, ऐसा उपदेश है। एक अनाथि मुनि स्वयं राजकुल के अंदर जन्म लेकर और राज यौवन में जो है संसार छोड़कर जब आते हैं और ऐसे जीवन के अंदर कितना परिवर्तन होता है कि उनका जीवन देखकर किसी को बात, भले ही श्रेणिक महाराज को दीक्षा नहीं लेकिन सम्यक दर्शन वहां से प्राप्त करके ये महात्मा आ रहे हैं। अप्पा नहीं वे अरनी, अप्पा में कुड़सामली, अप्पा काम दुभा घे, अप्पा में नंदनम वनम, अप्पा कत्ता विकत्ता है दुहान है सुहान है, अप्पा मित्तम अमित्तम चतुपट्ठी है सुपट्ठी। एक बात तो जरूर समझ लो, जो है वो आत्मा है, कर्ता भी आत्मा है, दुखी भी आत्मा है, सुखी भी आत्मा है, और जिस प्रकार से आप समझो कि मित्र भी आत्मा है, शत्रु भी आत्मा, आत्मा ही आत्मा का मित्र है। कैसे, आप जब आत्मा अपने ही कर्मों का क्षय करे तब आत्मा मित्र है और पाप करके नए कर्म बंधे तब आत्मा ही अपना शत्रु है। दोनों भाव है, आउ तया जस या नथी का ए इरियाई भाषाए तहे सनाए आया नित्खे दुगन छणाए नधीर जायम अनुजा इमगम चिरंपी से मुंडरु ए भविता अथिरम ए तव नियमे ही भट्टे चिरंपी अपान किले सहिता न पा रहे हो ई मुसम पराए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात करके आत्मा का उपदेश जो है, आत्मा धर्म के अंदर आत्मा का उपदेश आपको किस प्रकार का कैसा लग रहा है। न तम परी कंठ चित्ता करोते जम से करे अपनी आधुरप्पा से नाही मच्चु मुहं तुपत्ते बच्छानु तावेन दया विहुनो। आत्म तत्व की बात भी आपको रुचिकर लगती है, आत्म तत्व की बात अगर आत्मा को कहीं ना कहीं भी रुचिकर लग जाए तो आप निश्चित समझिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के नजदीक हो आप। अगर आत्मा की बात आवे और अरुचिकर लगे और शरीर और संसार की बात में आपकी रस रुचि बढ़े तो समझ लो आप अभी कोसों दूर है, ऐसा कोसों दूर है। इसलिए येरो विगुण समिद्धो तिगुत्ति गुत्तो विदंड विरो विहग इव विपमुको विहर इव सुहम विवगय मोहोति बेमी। जिस तरह से यहाँ पर ये हेतु समझ करके श्रेणिक महाराजा भी सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, ये निर्ग्रंथ मुनि महामुनि अनाथे मुनि ये अपना आत्म कल्याण साधते हैं। वक्षलियो दीपावली के दिन आ रहे हैं, बहुत नजीक है, 4 तारीख को दीपावली है, अमावस्या की रात को
और 1400 रमास दो दिन जो है परमात्मा महावीर अंतिम देशना देने, 36 अध्ययन है। इसलिए हमने पांचम से शुरू किया कि चलो थोड़े दिन पहले से अगर समझते जाए और एक सारांश के रूप में थोड़ा 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 आपको सारांश समझा रहा हूँ। भगवान की अंतिम देशना सबको अवश्य श्रवण करनी चाहिए। परमात्मा हमारे, हम जैन हैं, अब भूल से भी कोई भक्षली पटाखे फोड़ने की गलती मत करना। जैनों को भूल से भी पटाखे फोड़ने नहीं चाहिए। फिर आप बोलो कि बच्चा रोता है, ऐसा मत करो। अब आजकल तो आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में, सबके अंदर पटाखों की आपको बहुत कुछ आपको मनोरंजन कराया जा सकता है, तो आपको लाने की जरूरत नहीं। नंबर दो, आजकल चाइना से सबसे खतरनाक पटाखे आ रहे और उसके अंदर नाइट्रिक एसिड आदि ऐसे खतरनाक द्रव्य हैं कि जो वातावरण में घुले और उसके कारण कई लोगों की मृत्यु भी होती है। सल्फर के साथ में ऐसे ऐसे जो है केमिकल जोड़ करके दिए जाते हैं कि 2 मिनट आपको देखने के लिए लगते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक जहरीले पॉइजन होते हैं। हम बेंगलोर में थे, बच्चे नहीं मान रहे थे, मम्मी ने ध्यान नहीं दिया, जाके पटाखे फोड़ रहे थे, सीधी आंख में आई, आंख चली गई। 8 बरस का छोटा सा बच्चा था और आंख चली गई। अब पूरी जिंदगी क्या करना भाई साहब? ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती है, तो आप भूल से भी अपने साथ में देखिए, बच्चों को बचाइए और आपको बचना है। माँ बाप भी बेफिक्र, आप जो है पैसों की बर्बादी न करें और इतने पटाखे फोड़ करके नुकसान न करें। चाइना भारत के लिए हितकर कर नहीं है साहब। भूल से चाइनीज वस्तुओं को आप खरीदे नहीं और चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करिए, पटाखे तो भूल से न लाए, समझे? इतना तो लक्ष्य रखिए कम से कम। हम अपने ही पैसे से अपने दुश्मन को बलिष्ठ कर रहे हैं और फिर वो देश पर चढ़ाई कर रहे हैं, तो ये तरीका पहले आप समझे कि जैन तो कोई पटाखे ना। नंबर दो, वैसा अपने घर में पिता की मृत्यु हुई हो तो घर में मिठाई खाते हो क्या? तो दीपावली के निमित्त हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ तो हमको मिठाई खाने योग्य लगता है आपको? पहले ये हेतु समझिए। इन्होंने अस्थिमल जी ने इतनी बड़ी तपस्या सजोड़े की, 3.5 महीने की इतनी बड़ी तपस्या। हमें आज हमारे कोई जलेबी बीजी तो नहीं खवा रहा हूं? तो क्यों पाप में पड़ो सा, क्यों ऐरा निमित्त बनो आप? ये कलर डाल के बनाएंगे, केमिकल कलर वाला भी कैंसर करता है आज की तारीख में। आप रे कोई करना तो अम्बिल रो स्वामी वासल राख आज हमारी तपस्या रो पारणो है, तपस्या रे निमित्त आज अम्बिल राखना था। आकाश संग रो स्वामी वासल रो अम्बिल राखे, आप कोई नहीं आवे मत ही बोलो, थोड़ा जना होता नहीं, 10-20 जना तो वो लाभ तो गोम ने जिम्मा जलेबी खबर बासा ने कोई लाभ नहीं। गलत आज गलती मत करो। आज की तारीख में ये सब जलेबी अमरती बिल्कुल खाने जैसी नहीं है। एक तो पहले मैदा की वस्तु है और कलर आकर के केमिकल में और फिर वापिस जो है नुकसान का। चलो बाक्षले, अब मुख्य रूप से मिठाई खाने का त्याग 3-5 दिन कर लो, बिल्कुल बचना बहुत जरूरी है सर। और दूसरी तरफ ये पटाखे का त्याग, 2 पैसा ज्यादा इकट्ठा होता है, बच्चों को संस्कार डालो कि आप जीव दया का पुण्य करो। आप पटाखे लोगे मैं 500 दूंगा और आप अगर जीव दया का पुण्य करोगे मैं 5000 देता हूँ। बच्चों को संस्कार डालो। बच्चे लोगों ने, मैंने देखा है कई जगह पर, हमने बच्चे देखे कि साथ 10 बच्चों ने इकट्ठे होकर के अपनी पैसा इकट्ठा करके उन्होंने जीव दया का पुण्य किया। ये अच्छे संस्कार डालिए। आज योगानुयोग भक्षाले यहाँ पर मामलतदारवाड़ी जैन संघ राजस्थान संघ के अंदर देखिए सभी प्रकार के लोग पर्यूषण आए, 28 किया, मास्कमन किया, खेल खत्म हो गया। लेकिन अस्थिमल जी इन्होंने अपनी तरफ से 3.5 महीने तक चले इतना लंबा तप, भद्र तप किया और इतने बड़े तप के अंदर भी सजोड़े साथ में किया। सबसे बड़ी बात तो ये कि दोनों ने मिलकर के एक साथ में इतनी तपस्या की, ऐसा परिवार आपको भी बहुत कम देखने को मिलता है।
एक साथ में हर बरस बरसों से करें। कल जैसे कि इनके बारे में सुना, इतने वर्षी तप, इतनी बड़ी तपस्या और दोनों सजोड़े साथ में। आज तो पहले केसी जी ऐसा परिवार ही नहीं मिलता है कि दोनों एक साथ में एक सरी के विचार वाले, एक सरी की भावना वाले नहीं है। तो एक 36 का आंकड़ा बने तो डाइवोर्स होता ही, आप जानते हो। ऐसी स्थिति के अंदर एक परिवार में दोनों जने एक साथ में इससे मिल जाए और फिर वो दोनों तपस्या करने लगे साथ, तो बहुत बड़ी बात है। जो इन्होंने इनके जीवन के अंदर तपस्या, जितनी तपस्या की है, जैसी तपस्या की है और इतनी दीर्घ और बड़ी बड़ी तपस्या करके, देखो एक बात समझ लो, कोई तप करवा वाला वेगा मरे अरे कोई है? तप करवा वाला जल्दी मरे सा? मैं आपको एक बात करता हूँ, आज मेरी मम्मी 96 पर है, बासा हो में 4 हो सा, और 30 वर्षी तप किए, इतनी बड़ी सब तपस्या छोटी उम्र से करते आए। हम तो घर में छोटे बच्चे थे, 5 भाई थे, लेकिन माँ ने कभी ये नहीं सोचा, वो उन्होंने कभी ये के भी मारा थी बद्दू नहीं था, इसलिए नाना अवे हूँ तप नहीं करूँ ऐसा नहीं, अपनी तपस्या करते करते साथ में सब संभाला, पूरे परिवार को संभाला, चलाया, सब कुछ किया। अब आज बहुएं घर में है तो इसका मतलब ये नहीं कि खाने पी के मजाक करें, आज भी एक दिन तप के बिना नहीं। अभी परसों 4 दिन पहले अम्बिल की ओली का पार नहीं, अभी 100 में 4 कम है आप सोच लो, लेकिन अपनी तरह से हाथ पैर चल रहे हैं, रोज मंदिर जाना, दर्शन पूजा करना, रोज की 10 सामाई का, तो ये एक तप के परिणाम होते हैं। तपस्या करने से कोई जल्दी मर जाता है ऐसा मत, और ज्यादा खा पी करके पहलवान बनने वाला 100 साल जीता है ऐसा कुछ है क्या? आज की तारीख में वहां पे 38 ने, 40 ने, 28 ने, 32 में हार्ट अटैक ने, ब्रेन स्ट्रोक जो देखे रिया उन्हें मनक मरे रिया है। तो इसकी बजाय धन्यवाद दीजिए कि ये पुण्यात्मा तपस्या करते करते सजोड़े चले। हुआ ऐसा कि अस्तिमल जी चले गए थे देश में और इनके श्राविका जी यहाँ थे और इनको एकाएक तकलीफ बहुत भारी हो गई और डॉक्टर तो बस में जाए तो बस के हॉस्पिटल में सो जाओ, डॉक्टर तो तैयार बैठा है, लेकिन श्राविका जी ने इतनी हिम्मत रखी साहब, ख्याल है मैंने भी हिम्मत दी, आप चिंता मत करिए तपस्या आपकी नहीं टूटेगी। अबे घरे नहीं सहन किया पा, ऐसी परिस्थिति में मैंने तो खाली एक सामान्य सी अनाहारी, हमें उपवास में तो बीजी कोई हाल ही को नहीं, आप दूसरे दिन उनको ठीक हो गया, 1 से 2 दिन में उनका ठीक हो गया, तब भी पूरा हुआ, अखंड चला, कोई हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ा, कोई तकलीफ नहीं। कई बार तब का भी प्रभाव होता है और इतनी निष्ठा से कर रहे हैं साहब, इतनी निष्ठा पूर्वक करने से जिस तरह से आज इनके तप की ये पूर्णाहुति का प्रसंग सामने आया है, ख्याल है बहुत खुशी की बात है। मैं तो जानता नहीं था कि कोई जलेबी गौटिया खवारी मैं तो नहीं समझता था, पर मैं तो समझता भाषा कि जीव दयारो पुण्य तो करनो, गौशाला के अंदर बख्शाली आपका और श्राविका जी का दोनों का नाम आवे, वैसे वहां पर गौशाला में एक तख्ती पर आप नाम लिखाओ, अस्थिमल जी और श्राविका जी के इस तपस्या के निमित्त गायों के लिए वहां पर जो है एक शेड बनाया जाए साहब। कहते हैं आपका बेटा भी जरा बुलाओ, बात तो करें, देखो थोड़ा सा भाव बढ़ाओ बाबूलाल जी, थोड़ा मोटो मन कर जो नहीं सा, ख्याल है कि नहीं? कोई अच्छी तरह से योगानुयोग आप भी देखिए, हमारे लिए आप सब बनाते हो, अपने लिए सब कोई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मुंगे प्राणियों के मुख्य लक्ष्य ये रखो। और साथ में देखो चौमासा पूरा होने आ रहा है, अब गिनती के दिन बाकी है, अभी भी कई भाग्यशालियों ने जीव दया का लाभ नहीं लिया, जिसने लिया है उनको धन्यवाद। हमारे केसी जैन है, इन्होंने एक वहां पर गायों के लिए पानी का अवेड़ा बनाने के लिए अपना सहयोग दिया, चेक भर दिया और वहां पर भेज भी दिया साहब। तो जिन्होंने लाभ नहीं लिया हो, कम से कम 1 गाय 2 गाय 5 गाय 7 गाय 9 गाय जिनकी ज्यादा इच्छा हो, थोड़ा सा जीव दया का पुण्य भी करिए। आज का एक शुभ मंगल दिन, एक बड़ी तपस्या इनका तप का दिन पूर्ण हो रहा है, बक्षली किसी की इच्छा हो कि 2 गाय 3 गाय 5 गाय 1 गाय छोड़ाने का, सिर्फ 9999 का नखरा है,
कोई भाग्यशाली अपनी तरफ से जिनकी भावना हो तो आप बड़ा मन करिए, पसे कोई चांस नहीं बासा, कार्तक पूनम बहुत ही तो मोरे विहार करना ख्याल आया। अस्तिमल जी अपने परिवार के साथ विचार विमर्श कर ले, एक तब की स्मृति बनी रहे, तब के स्मरण में एक गायों के लिए गौशाला के शेड पर नाम लिखा हो तो बहुत अच्छा है, और बाकी सब लोगों के अंदर जिसकी जो भावना हो। आओ मिलन जी बोलो, देखो वैसा बोलो, एक गाय बे गाय कर ले, जिसकी जो भावना हो आप गायों के लिए जीव दया का पुण्य उपार्जन करने में साथ सहयोग करो तो भी बहुत अच्छा निमित्त हो। भगवान श्री महावीर स्वामी शासन में धर्मा स्वामी की पाठ परंपरा में विराजी राजस्थान जैन संघ मामलवाड़ी मलाड के अंदर परम पूज्य सुबोध सागर सरस्वती गुरुदेव की महान ज्ञान गीता और ऐसे महान विद्वान परम पूज्य अरुण विजय जी गुरुदेव के जन्म में कोटि कोटि नमन वंदन, गुरुदेव श्री संघ का नमन वंदन। आज हम सब आप सबको बता हूं इस वासुदेव सोसाइटी के अंदर श्रीमान साहब हस्तिमल जी एवं उनकी धर्म पत्नी, जिनको मैं नाम से आज कहना चाहूंगा धर्मप्रायण का, बिल्कुल पता नहीं था। हस्तिमल जी सदैव संघ के अंदर आते हैं और मैंने इनकी सरलता को कई वर्षों से गुरुदेव मैं देख रहा हूं, निरंतर एक ही सहज और सरल। आपको पता नहीं होगा इन दोनों सहजुड़ों ने सर्वप्रथम मासक श्रमण की तपस्या, उसके बाद इन्होंने नमाणु यात्रा सहजोड़े की पालीतनाथ के अंदर, इसके बाद इन्होंने सिद्धि तप किए, इसके बाद इन्होंने सहजोड़े श्रेणी तप किए, और इसके बाद इन्होंने सहजोड़े शत्रुंजय तप किए, और हस्तिमल जी भी बड़े होशियार आदमी, तीसरी पारी में 99 अक्षर रखा, आते आते चतुर्ंजय तप, श्रेणी तप, सिद्धि तप ये सब हुए तो फिर नौ पद की होली, फिर से नौ का आंकड़ा ले लिया ताकि हमारी तपस्या गुरुदेव अखंड से चलती रहे, और उसके बाद ये श्री संघ के अंदर ऐसे गुरुदेव की निष्ठा के अंदर